साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज मैंने NIOS क्लास 10 201 हिंदी का TMF तैयार किया है 2023 में जुलाई में जो जमा होना है, और 2023 अक्टूबर नवंबर में इसके एग्ज़ाम है। तो ये पूरा जो है TMF यानी असाइनमेंट तैयार है, आपको पढ़ के मैं सुना भी देता हूँ और आप समझ भी जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। आपको इस जगह कविता के मूल संदेश ग्रहण कर आप अपने दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन चाहेंगे। तो इसका उत्तर है कि हमने इन जगहों कविता पढ़ी, इसे जगाओ कविता पढ़ी, कविता का मूल संदेश ग्रहण कर हम अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन करेंगे। हमें हमेशा सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। हमें सोच समझकर कोई भी उचित कदम उठाना चाहिए। यदि हमें अपने जीवन में कुछ पाना है, अर्थात किसी लक्ष्य को पूरा करना है, तो हमें आलस को ख़त्म करना चाहिए, यानी आलस को बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। बिल्लू पाठ में लेखिका की मानवीय संवेदना अत्यंत प्रणोदी है, टिप्पणी कीजिए। तो इसका जवाब है कि बिल्लू पाठ में लेखिक के मानवीय संवेदना उत्पन्न प्रणदायक है, क्योंकि लेखिका ने एक ऐसे नन्हे एवं नरिहा जीवन के प्रति मानवीय संवेदना का प्रदर्शन किया था जो बेहद संकट की स्थिति में था, और लेखिका ने उस संकट में बचाया था। लेखिका द्वारा गिल्लू के प्रति मानवता वाला व्यवहार किया जो कि मानवीय संवेद की प्रत्यक्ष प्रमाण था। लेखिका ने एक कुशल चित्रकार के सामान छोटे छोटे चित्रों से गिल्लू का चित्रण करते हुए उसके भीतर छिपे संवेदनाओं को प्रभावशाली रूप से व्यक्त किया। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। बीती विभारों जगरी कविता से आप क्या संदेश ग्रहण करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तीसरे सवाल का जवाब आपको लिखना है। देखिए, लाइन छोड़ के लिखिएगा और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। कवि इस कविता में माध्यम में सभी देशवासियों से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होकर देश को आज़ाद कराने की आहार कर रहा है। कवि कहता है कि आज़ादी रूपी सुबह होने को है, आकाश की लाली जो क्रांति की ओर संकेत करती है, तथा पक्षियों का कलरक स्वतंत्र सेनानियों की आवाज है। कवि ने देशवासियों से कहता है कि स्वतंत्रता रूपी लाली क्रांति शुरू हो गई है, अब तुम जागो, सो मत, और देश की आज़ादी रूपी क्रांति में भाग लेकर अपने कर्तव्य को पूरा करो। कवि ने बड़ी चतुरता से प्राकृतिक चरण के माध्यम से राष्ट्र सेवा का आह्वान किया है। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। मैंने कहा करा है, निम्न सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्राकृतिक परिस्थितियों से जिनके करे दिए मानसन का चूरम चूर। उदाहरण देते हुए उपयुक्त पंक्तियों का व्याख्या कीजिए। व्याख्या, कविता की इन पंक्तियों में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनकी सेवाओं की तुलना किसी से नहीं की जा सकता, तथा जिन्होंने निर्तृत्व स्मर्थ भाव से समाज और राष्ट्र की सेवा की। इन लोगों ने अपने कार्य की कभी प्रचार नहीं किया। आश्चर्य ये है कि दिन रात देश समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित ऐसे लोगों ने अपने त्याग और बलिदान का देश के प्रति अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने क्षण पाने की चिंता कभी नहीं की। इनका नाम किसी अखबार में या किताब में नहीं छपा। कई लोग ऐसे होते हैं जो काम कम करते हैं पर अपना प्रचार बड़ा चढ़ाकर करते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया
जानने लगती है, परंतु ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत काम करते हैं पर कभी अपने आत्म प्रचार से दूर रहते हैं। कवि ऐसे लोगों का आदर के साथ साथ प्रणाम करता है। वे इन आनाम लोगों की सेवाओं का महत्वपूर्ण मानता है। राष्ट्र के निर्माण में की नींव में इसकी सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। कार्य करते हुए ऐसी परिस्थितियों में भी आती हैं कि किसी के सपने चूर चूर हो जाएं, लेकिन इससे सपनों का महत्व कम नहीं होता जाता। कवि इन लोगों के महत्व के बारे में बतलाता है जो मानवता और देश की सभ्यता भविष्य की अपने देखते हैं और उनके लिए प्रयुक्त करते हैं, भले ही वे अपने सपनों को पूरा होने ना देखें सके। यदि कोई मनुष्य के विषय में कोई अच्छा विचार देता है तो उस विचार पर उसके बाद भी अलम धरने वाले लोग पैदा होते हैं और एक ना एक दिन उसके विचार को लेकर समाज आगे बढ़ता है। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 100 से 150 शब्दों में दीजिए। इसका मैंने कहा करा है, अपनी पसंद की किसी एक कवि अथवा लेखिका के कम से कम 3 रचनाएं पढ़िए और उनका सापेक्ष परिचय देते हुए एक रचना का मूल संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मुझे महादेवी वर्मा की रचनाएं अति प्रिय हैं। महादेवी वर्मा 26 मार्च 1907 11 सितंबर 1987 हिंदी भाषा की कवि थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवि स्त्रियों में से एक है। एक होने का कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा की 3 रचनाएं इस प्रकार के हैं, दीपशिखा। दीपशिखा में महादेवी वर्मा ने गीता का जो है आधिकारक विषय का प्रेमी है, पर प्रेम की उन्होंने मिला कि उल्लेख पर दिशा अधिक विवरण पीड़ा की तलाश है। रशिम महादेवी वर्मा का दूसरा कविता संग्रह है। वो इसमें 1927 से 1931 तक की रचनाएं हैं। इसमें महावीर देवी जी के चिंतन और दर्शन पत्र मूर्ख होता प्रतीत होता है, अतः अनुभूति की अपेक्षा दर्शाती चिंता और विचलित आधुनिक है। नीरा जी ने राश्मि की चिंतित और दर्शन अधिक स्पष्ट और पूर्ण होते कर्तव्य सुख दुख में स्थापित करते हुए पीड़ा एवं वेदना में अनुमति दी है। नीरजा रचना का मूल संदेश इस प्रकार है, कर्तव्य सुख दुख में समाजी स्थापनीय करती हैं, दुख दर्द में अनुभव करती हैं। वे इस समाज पूर्ण आत्मा तक पहुंच गई जहां दुख और सुख एक ही जात है और जहां दर्द का मीठा रस उसके साम्राज्य के आधीर बन जाता है। वे काल की गति में यह समस्या का भाव अधिक और पवित्र होकर साधन की प्रक्रिया में इतना निष्कुश आ जाता है कि वह अपने और प्रिय के बीच की दूरी को मिला का रूप में समझने लगती है। इसके बाद आखिरी सवाल है, नीचे दिए गए परियोजनाओं में से किसी एक परियोजना को तैयार कीजिए। प्रोजेक्ट वर्ग है कि भारत में करियर के रूप में संविधान ने उभरते 5 विकल्पों के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित कीजिए और फाइल तैयार कीजिए। प्रोजेक्ट भारत में करियर के रूप में संवादिक नए उभरते 5 विकल्प इस प्रकार हैं, शिक्षा, होटल प्रबंध, फोटोग्राफर और एंड मीटर और इंजीनियर। इसके बाद है शिक्षा के बारे में, शिक्षा का क्षेत्र आप अलग अलग तरह से करियर बना सकते हैं। साइंस, अंग्रेजी आदि विषय में आप पढ़ा सकते हैं, इस विषय में महारत होना अवश्य होगी, जैसा कि अकाउंटेंट, राइटर, स्कूल क्लासेस आदि। होटल प्रबंधक भी बन सकते हैं, इस विषय में उभर पूरी गति से आगे बढ़ सकते हैं, होटल प्रबंधक इत्यादि की सभी चीज़ों का कर सकते हैं। फोटोग्राफर भी बन सकते हैं, फोटोग्राफर बारे में ये लिख दीजिएगा और
एंड मीटर भी बन सकते हैं, और आखिरी में लास्ट में है इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में सारे। तो ये मैंने आपके लिए जो है उर्दू का टी एम, हिंदी का टी एम में बनाया था। उम्मीद है कि आपको हिंदी का टी एम भी पसंद आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, बना बनाया चाहिए, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, या आपको जो है किसी और प्रकार की कोई भी आपको हमसे मालूमात चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नोट्स भी मिल जाएंगे, एडमिशन भी हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।